फेसबुक ऐड्स की मदद से उन लोगों को कैसे टारगेट करें कि जिनका नॉर्मल बिहेवियर हमेशा एक्सपेंसिव चीजों की परचेजिंग में अवेल होता है या उनका जो परचेजिंग स्टाइल है वो हमेशा लार्ज स्केल के ऊपर होता है। आज के इस वीडियो में हम यही कुछ सीखेंगे, तो आप लोगों ने इस वीडियो को मिस नहीं करना क्योंकि आपको ऐसे क्लाइंट्स मिल सकते हैं कि जो कि हमेशा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को बेच रहे होंगे और उनको आपने कोई स्ट्रेटजी बनानी होगी, उनके एड्स रन करने होंगे, तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आप वैसे भी आप एड्स के ऊपर अपने एक्सपर्टीज को फ्लॉरिश करना चाहते हैं, फेसबुक एड्स में अपना मजीद एक्सपोजर गेन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है क्योंकि प्रैक्टिकली मैं आपको कुछ नई चीजों को बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हाइकल, आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हाइकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। फेसबुक के ऊपर तो आप डिफरेंट लेवल्स के ऊपर टारगेटिंग करते हैं, लेकिन हाई वैल्यू परचेजिंग के ऊपर, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की परचेजिंग के ऊपर नॉर्मल जिनका बिहेवियर होता है उनको आप कैसे टारगेट करेंगे, आज के इस वीडियो में हम यही कुछ प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं और कुछ मजीद चीजों को देखेंगे भी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, साइकोलॉजिकली भी और विजुअली भी। ठीक है, वो हैं क्या डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो में आखिर में जाकर कोई सीखने को थोड़ा सा मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहले तो अगर आपने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेने वाले लोगों को टारगेट करना है तो उनकी डिमांड्स भी हाई होंगी। डिमांड्स का मतलब क्या है कि उनको डिलीवरी भी बहुत प्रीमियम लेवल के ऊपर जानी चाहिए, पहली चीज़। उसकी पैकेजिंग भी बहुत प्रीमियम लेवल के ऊपर होगी, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या है कि आपने अगर उस प्रोडक्ट को उन तक डिलीवर करनी है तो उस प्रोडक्ट की वर्थ जितनी है ना, उस वर्थ के ऊपर ही आपने उनको कस्टमर सर्विसेज से लेकर डिलीवरी सर्विस, मतलब ये तमाम के तमाम एक्सपीरियंस भी आपने उनको नेक्स्ट लेवल के ऊपर देना है। ये तो आपने प्लान कर ही लिया होगा तब आप इस वीडियो के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपने उसको उस लेवल के ऊपर लेकर जाना है। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने जो भी एड क्रिएटिव्स बनाने हैं ना, वो भी फिर उसी लेवल के ऊपर बनाने हैं। ठीक है, अगर आपने कोई शूट करना है, कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने है, तो आपने वो भी प्रीमियम लेवल के ऊपर करनी है। मिसाल के तौर पे एक नॉर्मल प्रोडक्ट आप छोटी सी गाड़ी के ऊपर करेंगे तो जो भी उसकी मार्केटिंग के लिए आपने प्रीमियम लोगों को टारगेट करना है तो डेफिनेटली आपका वो शॉट क्या होगा कि किसी V8 के ऊपर होगा, किसी ऐसे एक्सपेंसिव जो है वो स्पोर्ट्स कार के ऊपर होगी, या फिर कोई ऐसा मतलब नेक्स्ट लेवल की मार्केटिंग होनी चाहिए, फिर ये एक्सपीरियंस आप उनको देंगे तो ही परचेज करेंगे, वरना ये ट्रस्ट फैक्टर वहां ब्रेक हो जाएगा। हम चलेंगे जी अपने एड अकाउंट में। ठीक है, और यहां पर हम लोग एक कैंपेन को क्रिएट करके उसके एड सेट में चले जाते हैं और यहां पर हम उन चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले हाई वैल्यू गुड्स को जो प्रेफर करता है तो ये वाली होगी, उसके बाद हाई इनकम की जो स्लॉट है उनको भी, ठीक है, जिनकी सैलरीज भी, जिनके इनकम भी ज़्यादा है, ऐसे लोगों को। ठीक है, उसके बाद हम उन लोगों को टारगेट कर, देखें जैसे ही मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को अगर टारगेट करना चाहते हैं उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, किसी ब्रांड के तौर पे भी, किसी रियल एस्टेट कंपनी के तौर पे भी, किसी मीडिया हाउस की मदद से भी आप उनको टारगेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, यहाँ पर भी यही है, आप अगर एक्सपेंसिव बायर्स को टारगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप कोई लग्जरी प्रोडक्ट के मदद से भी आप उनको टारगेट कर सकते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ों के ऊपर अपना इंटरेस्ट शो कर रहे होंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, BMW के ऊपर वो अपना इंटरेस्ट शो करते होंगे, तो उसके रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो हो सकता है सर्चिंग कर रहे हैं तो वो फेसबुक का इंटरेस्ट का जो एल्गोरिदम है वो उनको डिटेक्ट करता हो। ठीक है, आईफोन यूजर्स हैं, ठीक है, आईफोन 16, आईफोन 15, प्रो मैक्स, ये सारी चीज़ें। लग्जरी व्हीकल ऑनर्स को भी हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, और बिजनेस ऑनर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह लग्जरी गोल्ड, ठीक है, एक्सपेंसिव जितने भी ब्रांड्स हैं आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं, एक्सपेंसिव व्हीकल्स, एक्सपेंसिव ड्रेसेस, इनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एक लग्जरी व्हीकल, ये देखें लग्जरी व्हीकल, यहाँ पर लाइफस्टाइल है, ठीक है, लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी गुड, लग्जरी व्हीकल्स, लग्जरी लाइफस्टाइल वेबसाइट है, इसको छोड़ दें, ये लाइफस्टाइल कंटेंट है, लग्जरी रिजॉर्ट, ठीक है, उसके बाद लग्जरी लाइफ, अच्छा लग्जरी ट्रैवल, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, लग्जरी वॉचेस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लग्जरी शॉप, इंट्री, सारे इंटरेस्ट हैं, इनमें से कोई भी आप टारगेट करेंगे तो आपका वो ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन डिपेंड फिर से ये करता है कि आपकी रिसर्च इनमें से कौन से इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करती है या रिलेट करती है। ठीक है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपने देखना, क्योंकि मैंने आपको बताना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको नजर नहीं आती नॉर्मली। ठीक है, आप इंटरेस्ट को यहाँ टारगेट करने आते हैं तो आपको समझ नहीं आती हम किसको टारगेट करें, अब इतना सारा इंटरेस्ट यहाँ अंदर छुपा हुआ है, आप
क्या सर्च करेंगे तो वो क्या कैसे आएगा ये आपको नहीं पता होता, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने उसको रिलेट करना है अपने प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो लग्जरी को आप यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे इनमें से किसी एक को मैं यहाँ पर चूज़ करके आपको बताता हूँ। लग्जरी लाइफस्टाइल, जिनका लग्जरी लाइफस्टाइल है उनको आपने टारगेट करना है, तो इनको मैंने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब लग्जरी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितने भी रिलेटेबल जो इंटरेस्ट्स हैं ना वो यहाँ पर आ जाएंगे। कैसे? सजेशन में आप क्लिक कर लें, ये देखें, लग्जरी गुड्स, लग्जरी व्हीकल्स, लग्जरी रिजॉर्ट्स, फर्स्ट क्लास ट्रैवल, ठीक है, बिजनेस क्लास ट्रैवल, ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल, यही लोग जाते हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स भी हो सकता है, एक्सपेंसिव टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन ये ब्रांड है, लेकिन इंटरेस्ट है, ठीक है, आप इसको फिलहाल यूज़ करना चाहते हैं कर लें। लग्जरी यॉट्स हैं, ठीक है, और उसके बाद ट्रैवल है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, ये इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फिर रियल एस्टेट को भी इसी तरह टारगेट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट का जो इंटरेस्ट जिसका होता है, बहरिया टाउन को आप टारगेट कर सकते हैं, लेक व्यू सिटी को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप कार्स के तौर पे आ जाए, आप BMW कर दें, आप BMW इंटरेस्ट के तौर पर कर लें, BMW एम्प्लॉई है, आपने BMW व्हीकल करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर BMW को चूज़ करने के बाद इसके सजेशन में आऊँगा ना, जैसे ही सजेशन को मैं क्लिक करूँगा सारी व्हीकल्स आ गई हैं, वो सारी एक्सपेंसिव, ठीक है, ये देखें, मर्सिडीज, ऑडी, पोर्शे, फरारी, लेक्सस, लैम्बोर्गिनी, ये सारे आ गए। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है कि इनमें से किस किस के ऊपर आप, बेशक हाँ आप कार्स को एक एड सेट में टारगेट कर लें, एक और एड सेट बना के वहाँ पर रियल एस्टेट को टारगेट कर लें, दूसरा एक एड सेट बनाकर वहाँ पर आप लाइफस्टाइल को टारगेट कर लें, तीसरा एक एड सेट बनाकर फिर आप वहाँ पर किसी एक लग्जरी वॉचेस को टारगेट कर लें, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कैसे प्रोडक्ट्स को कितने बजट के ऊपर कर रहे हैं, आपका ओवरऑल मार्केटिंग बजट क्या है, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप क्रिएटिव टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप ऑडियंस टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप कोई और टेस्टिंग कर रहे हैं, ये अलग मैटर है। लेकिन अगर आप प्रॉपर मतलब इस मार्केटिंग को लेकर चलना चाह रहे हैं तो आप मल्टीपल कैंपेन्स, मल्टीपल एड सेट के तौर पर टेस्टिंग जरूर करेंगे मल्टीपल इंटरेस्ट को देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक और होता है हाई इनकम, देखिए हाई इनकम हाउस होल्ड इनकम दिस इज, ठीक है, हाउस होल्ड इनकम दिस वन, हाउस होल्ड इनकम, ऐसे लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पीपल हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान एंड पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, ये इंटरेस्ट सॉरी ये बिहेवियर है, ये इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लग्जरी या फिर प्रीमियम ऑडियंस को या फिर हाई वैल्यू परचेजिंग को आप टारगेट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कैसे अमेजिंग वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।